गाइस कभी कभी क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी काफ़ी लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म ग्रो भी कर देता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। जैसे कि आप आरिफ के साथ देख रहे हैं, जो उसके साथ सारस था, अब वो गवर्नमेंट की कैद में हो चुका है, यानी कि अब गवर्नमेंट उसको ले गया है, चिड़ियाघर में रख दिया है। अब क्या होगा कि आरिफ उससे संपर्क नहीं कर पाएगा और उसके साथ नहीं रह पाएगा, गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि जब सारस खुद ही चाहता था कि मैं आरिफ के साथ रहूँगा, तो ऐसे में गवर्नमेंट को भी कुछ समझना चाहिए कि हाँ, सारस नुकसान नहीं पहुँचा, किसी को दिक्कत नहीं दे रहा है, तो आरिफ के साथ ही रहना चाहिए। मैं आपको कुछ यहाँ पर क्लिप भी दिखाने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो में कुछ डिस्कस भी करूँगा, क्या ये सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। आप लोग वीडियो में लगातार बन रही है और ये वीडियो में जो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और काफ़ी लोग देख रहे हैं। आरिफ अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं, तो सबसे नंबर वन पर इन्हीं की वीडियो लगातार आ रही है, मतलब कि आरिफ और सारस की वीडियो। मैं बताना चाहूँगा ये कैसे हुआ, मतलब कि आरिफ के साथ सारस कैसे आया, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। गाइज पहले क्या, मतलब कि कुछ दिन पहले, दो तीन महीने पहले आरिफ जा रहा था कहीं, या निमंत्रण में जा रहा था या कहीं घूमने के लिए जा रहा था, तो उसको बीच में एक सारस घायल अवस्था में मिला था। तो आरिफ ने सोचा कि उन्हें इसको बचाया जाए और दवा और पट्टी करवा के उसको सही किया, और लगभग दो तीन हफ्ते तक बहुत ही घायल अवस्था में था। और जैसे ही ठीक हुआ तो सारस को क्या लगा कि हाँ, यही मेरा सब कुछ है। जब बचाया है गाइस, क्या होता है कि जो ज़िंदगी देता है वो अलग तरीके से उसका बिहेव हो जाता है, यानी कि जो ज़िंदगी बचा लेता है किसी की, तो ऑटोमेटिक वो अपने तरफ आकर्षित हो ही जाएगा। तो ऐसे में सारस आरिफ के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा, और आरिफ जहाँ भी जाता था बाइक से, उसके पीछे पीछे सारस उड़ता हुआ जाता था, जैसे कि आपको क्लिप में देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसे में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि गहरी दोस्ती हो गई दोनों में। और जब गहरी दोस्ती हो गई तो उनके ऊपर जो, मतलब कि उनका एक चैनल बना लिया गया, आरिफ ने एक चैनल ओपन कर दिया कि हाँ, चैनल ओपन कर देते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं किस प्रकार पक्षी भी लोगों से ज़्यादा दिमागदार होते हैं। यानी कि सारस ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था उसके पीछे, आरिफ के पीछे, यानी कि आरिफ जो भी वर्क करता था उसके साथ रहना, उसके साथ सोना, साथ में अगर आरिफ खाना खाने जाता था तो सारस भी उसके साथ खाना खाने के लिए पहुँच जाता था, या होटल में जाता था, या कहीं भी जाता था, हर जगह। जैसा कि आप जानते हैं, वेजिटेरियन है सारस, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, मीट मच्छी कुछ भी नहीं खाता था सारस, जैसा कि आप जानते भी हैं खुद ही। तो ऐसे में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी, सब कुछ चलने लगा था अच्छे तरीके से। और जैसे ही चैनल ओपन हुआ, यही मेन कारण है, चैनल ओपन होना ही सबसे घातक इनके लिए हो गया, आरिफ के लिए। ऐसे में क्या हुआ गाइस, जब उन्होंने चैनल ओपन किया तो लगभग केवल एक ही हफ्ते में, 1 वीक में ही उनका चैनल इतना फास्ट ग्रो हो गया कि मानो जैसे कि बहुत ज़्यादा रेस में चलना स्टार्ट हो गया। एक दिन में 1 मिलियन 10 मिलियन व्यूज आना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे उनका जो भी रेस था, उनकी वीडियो का बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोग क्या करते थे, जब वीडियो तो को देखते थे, जैसे कि हम उनकी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो उनकी वीडियो क्या करते थे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देते थे। जैसे शेयर करते थे तो उनकी वीडियो जब शेयर हो गई तो और ज़्यादा रेस में चलना स्टार्ट हो गई। जब रेस में चलना स्टार्ट हो गई तो क्या होता था कि जितने भी लोग देखते थे लगातार शेयर करते गए, और धीरे धीरे इनकी वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंच गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये नुकसान, मतलब कि दिक्कत दे सकता है सभी को, बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, अब सभी को मार भी सकता है। सारस जानते हैं कितनी उसकी हाइट होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट होती है, और वो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी दे सकता है, घायल कर सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इसको हम चिड़ियाघर में या कहीं ऐसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दें, जहाँ पर ये आज़ाद से घूम सके, कोई भी दिक्कत ना रहे, किसी को भी घायल ना कर सके, और खुद भी सुरक्षित रहे। तो गवर्नमेंट ने संपर्क किया, एड्रेस लिया सभी से, धीरे धीरे, मतलब आप वीडियो जानते हैं, जिसकी वीडियो वायरल हो जाती है तो ऑटोमेटिक ढूंढ ही लेते हैं, चाहे जहां भी आप छुपे होंगे, अगर आप वीडियो वायरल हो गई तो जो मीडिया रहती है आपके घर तक जरूर पहुंच जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, उनके साथ भी ऐसा हुआ, जब वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब सिक्योरिटी गार्ड को भेजा, जो चिड़ियाघर के जो होते हैं वन विभाग वाले, उनको भेजा, और उनके घर पर जैसे आए, जब सारस को ले जाने लगे तो आरिफ मना कर रहे थे कि सारस को नहीं ले जाने देंगे और अपने साथ रखेंगे, ऐसा कुछ भी घायल नहीं करेगा, किसी को घायल नहीं करेगा, मेरी गारंटी है, और मेरा मतलब कि सब कुछ मेरा ही है, और कुछ भी नहीं दिक्कत होगा, जो भी दिक्कत होगा हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ बात नहीं सुनी और उसको डायरेक्टली चिड़ियाघर में छोड़ दिया। कानपुर के चिड़ियाघर में ही है, आप अगर वहाँ के हों तो आप जाकर देख भी सकते हैं, लेकिन वहीं पर भी उसको रखा गया है, और देखा जाएगा। अभी तो बात चल रही है कि हाँ वापस कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वापस करेगा, क्योंकि
जब चिड़ियाघर में पहुंच जाता है कोई भी चीज़, जैसे कि आप देखे भी होंगे जो भी चीज़ चिड़ियाघर में पहुंच गई वो दोबारा वहां पर नहीं वापस की जाती है। तो देखा जाएगा, मैं वीडियो में अपडेट करता रहूंगा। जैसे भी वीडियो हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई दिशा में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।